Whatever has been said in the video is my personal opinion. It's not historically or scientifically proven fact. We do not intend to hurt anyone's religious sentiment. The purpose of this video is to express my point of view along with प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते समय हमें सिर्फ यह नहीं याद करना चाहिए कि हम सिर्फ ब्रिटिशर्स लोगों से आजाद हुए थे। हम बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स लोग जो हमारे देश के ऊपर आके राज किए लगभग 7वीं सदी 8वीं सदी से ही, उन सभी फॉरेन इन्वेडर्स से और हमें यह बोलना चाहिए कि हम 200 सालों की गुलामी के बाद आजाद नहीं अपितु 1500 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए। इस तरह के लाइंस यूज होने चाहिए हमारे स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन में। पर हम लोग जब वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो सिर्फ हम यह याद करते हैं कि हमने कैसे अंग्रेजों से आजादी पाई, क्योंकि उस जमाने में मोनार्की सिस्टम के टाइम में एक किंग जो है वो बस अपने किंगडम भर ही सोचता था, अपने किंगडम भर सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर समझता था, जबकि उसके दिमाग में यह नहीं आता था कि धीरे धीरे करके हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे कल्चर को खत्म करता जा रहा है। उस समय के किंग्स लोगों में आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से एक क्षेत्र के ऊपर फॉरेन इन्वेडर्स आके जब राज करने लगता था तो धीरे धीरे वो दूसरे क्षेत्र के ऊपर भी अपना कब्जा करके, और इसी तरह से मुगल्स लोग अपना कब्जा बढ़ाते गए और इंडिया के बहुत सारे भाग पे उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में उनका प्रभाव उतना नहीं रहा कभी भी। और जो लोग यह बोलते हैं कि यहाँ पे मुगल आके चले गए, अंग्रेज आके चले गए, फिर भी अभी हम यहीं के यहीं हैं, वो वहां मूर्ख है। आप ये देखो कि आप पहले कहां थे और अब कहां रह गए। जितने भी आपके मंदिर थे, जितना भी आपका साम्राज्य था वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड, लाओस में, वो सारे किंगडम, सारे हिंदू किंगडम, सारे मंदिरें टूटती चली गई। पहले अखंड भारत कितना विशाल था, आपका जो पूरा क्षेत्र था सनातन का, अखंड भारत का, सनातन धर्म वाले मानवों का, जो प्रारंभ से मानव ही रह गए, किसी और पाथ पे नहीं गए, उनका क्षेत्र बहुत विशाल अखंड था अखंड भारत। परंतु अभी के समय में जो अखंड भारत था उसका 36% पार्ट भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो आप इस गलतफहमी से पहले निकल जाओ बाहर कि नहीं, यहाँ पे मुगल्स आकर चले गए, यहाँ से अंग्रेज आकर चले गए, फिर भी हम जहाँ पे थे वहीं पे हैं, ऐसा नहीं है। हमें बहुत नुकसान हुआ है और फ्यूचर में यह नुकसान हमें नहीं हो, इसके लिए हमें जो गांधी ने शांति का कबूतर उड़ाया था और सारे हिंदुओं को नपुंसक बना दिया, उस चीज से बाहर उठना पड़ेगा। हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में हम शास्त्र की तरफ बढ़ने की बात तो करते हैं पर शस्त्र को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे जितने भी भगवानों का चित्रण किया जाता है सभी के हाथ में शस्त्र दिखाए जाते हैं। शस्त्र बहुत आवश्यक है, शस्त्र सर्वाइवल का सिंबलिज्म करता है। शस्त्र रहेगा तो ही आप सर्वाइव करेंगे और वर्तमान समय सर्वाइवल का समय है। यहाँ पे जो दूसरे रिलीजन और मजहब वाले हैं वो आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे और उनसे अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए सनातन अस्तित्व, जो मानव धर्म की बात करने वाला शाश्वत सनातन धर्म है, उसको बचाए रखने के लिए हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की तरफ लौटना पड़ेगा। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।